हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमें इस चैनल में। तो आज हम लाए अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज मैं एक गेमिंग माउस ऑर्डर किया है और अमेजोन से। तो आओ देखते हैं कैसा माउस है और क्या फीचर है। देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास बॉक्स आ चुका है, तो आज सुबह सुबह ही आ गया। तो देखते हैं कैसा गेमिंग माउस है। और हाँ, गेमिंग माउस मतलब वो वाला मंगवाया मैंने, रेड गियर का A20। बहुत ही सही लग रहा था अमेजोन में। तो रियल में देखते कैसा माउस होता है, कैसा वेट, सब कुछ बात करेंगे, रिव्यू अनबॉक्सिंग सब कुछ होगा इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा लास्ट तक देखना वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। चलो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो बॉक्स को हम ओपन करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमको बॉक्स के अंदर। और एक बात बता दूँ, मैंने इस बॉक्स को रिन्यू प्रोडक्ट से मंगवाया, मतलब न्यू नहीं मंगवाया, रिन्यूड मंगवाया। रिन्यूड मतलब अगर कोई बंदा, अगर मतलब उसको प्रोडक्ट मिला, अब वो प्रोडक्ट को खोल के मतलब देखा कि गलत प्रोडक्ट आ गया या कुछ हो गया, तो उसने कुछ नहीं किया, उसको साथ के साथ ही अमेजन वाले को वापस कर दिया। तो अब वो उसको क्या कर सकते हैं अमेजन वाले, उसको रिन्यूड नाम से बेच सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको मतलब कुछ पैसे कम हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट एकदम न्यू मिलेगा। देखते हैं कैसा प्रोडक्ट मिलता है। देख सकते जैसे कि मैंने बॉक्स को निकाला, साइड में देख सकते हैं मतलब ऐसे 8GB पूरा, ये रियल 8GB है। और ये देख सकते हैं रिन्यूड का स्टिकर लगा हुआ है। और ये इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएगा आपको 8GB में। मैंने ये वाला क्यों चॉइस किया, क्योंकि इसके लोगो में भी लाइट जलता है और साइड में भी लाइट जलता है। और तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक रिन्यूड का गारंटी, मतलब ये 6 महीना गारंटी रिन्यूड वाले देते हैं कि मतलब कुछ नहीं होगा आपके प्रोडक्ट को, तभी बेच रहे हैं। और अमेजोन का बिल तो दोनों को साइड में करते हैं। आप देखते हैं मेन हमारे बॉक्स की तरफ। तो बॉक्स एकदम सही लगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉक्स में, मतलब उसमें टेप लगा हुआ है तो कोई नहीं। टेप से हमें क्या, हमें बॉक्स से कोई लेना देना भी नहीं है, हमें तो अपने माउस से लेना देना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आओ बॉक्स से खोलते हैं। यार कितने सारे टेप लगा हुआ है, रुको एक सेकेंड यार, उंगली से खोलना होगा बॉक्स, मतलब कटर से खुल नहीं रहा। खुल जा भाई, खुल जा। सच्ची में कितना टेप लगाते हैं। हाँ, अगर आपको भी ये मतलब माउस देखना है कैसा है, गेमिंग माउस है एकदम, 8GB इफेक्ट, बहुत ही सही लगेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेकआउट कीजिए और देखिए कैसा प्रोडक्ट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिन्यूटी खरीदें, नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया जैसे ही माल मिलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एकदम नया जैसे ही मिलेगा। और इसका मतलब ड्राइवर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जैसे ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप अपने माउस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं बॉक्स को निकालते हैं बाहर। निकल जा, निकल। आई थिंक ये इसके साथ फिक्स है, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। चलो माउस को निकालते हैं। देख सकते हैं माउस पैकिंग तो बड़ा सही है, मेरे को कोई अभी तक ये भी नहीं लगा कि मतलब कोई सेकेंड हैंड या कोई माल, मतलब कुछ भी नहीं लगा, एकदम न्यू लग रहा है मेरे को। देख सकते हैं माउस निकाला तो एक मतलब मैनुअल गाइड मिला है, पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, किसी काम का नहीं है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, इसमें मतलब आप मतलब वही लिखा होगा कि आप कैसे ड्राइवर में अपने माउस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो साइड में करते हैं इसको और चलते हैं हम अपने बॉक्स के अंदर, कुछ नहीं है तो हम चलते हैं अपने माउस की तरफ। तो माउस देख सकते हैं इसमें कुछ मतलब वेट एकदम बढ़िया है, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मतलब हल्का सा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेट बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगा। और क्लिक का साउंड भी बड़ा सही आ रहा है, क्लिक। और साइड में देख सकते हैं 2 बटन दिखा रहा है और मतलब सामने भी स्मूथ फिनिश है, रबर जैसा, मतलब ग्रिप बनेगा अच्छा। और पीछे में A20 का लोगो, मतलब A20 और रेड गियर का लोगो बना हुआ है। और फ्रंट में तो देखिए क्या आपको मतलब मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि मतलब ये रिन्यूड प्रोडक्ट है, एकदम न्यू लग रहा है, कोई 0 स्क्रैचेस, कुछ नहीं है, कुछ दाग धब्बा कुछ नहीं है। और केबल भी देख सकते हैं, वायर केबल है, मतलब कुछ नहीं होगा वायर, मतलब एकदम केबल का फिनिशिंग भी बड़ा सही है, तो केबल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो केबल के खोल लेते हैं। और माउस का वेट भी एकदम सही लगा मेरे को। और बॉक्स में लिखा है इसमें टोटल 7 बटन है, तो 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा,
DPI के दो बटन मिलते हैं, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज के। इसमें DPI आपको मिलता है कितने मिल जाएगा, 200 से लेके 4800 तक। तो मैं अपने लैपी में माउस डाल के देखता हूँ कैसा 8GB इफेक्ट मिलता है। तो देख सकते हैं ये गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड भी मैंने ख़रीदा है अमेजोन से। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हैं साइड में भी कितना बढ़िया कलर रेनबो जैसा लग रहा है। तो मैं अभी लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि मतलब कैसा लगता है लाइट ऑफ। रात के टाइम तो भाई बड़ा सही लगेगा, मतलब मेरे को कोई शिकायत नहीं है, पूरा एकदम सही लगा। देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है मेरा, मतलब सेटअप को कितना मतलब सही दे रहा है। मतलब माउस को देखिए एक बार, साइड में भी 8GB इफेक्ट और बीच में लोगों में भी 8GB लग रहा है, तो बड़ा ही सही लग रहा है मेरे को। और ये DPI इंक्रीज डिक्रीज के लिए, मतलब सबसे लास्ट येल्लो होता है, जितना इंक्रीज करोगे उतना आपका कलर चेंज होगा। कलर देख कर बोल सकते हैं कि कैसा मतलब कौन सा DPI में आप चल रहे हो। तो मतलब लास्ट होगा 600, वो येल्लो कलर में होगा, फिर आप जितना DPI को बढ़ाओगे कलर चेंज होगा। तो मतलब रेड होगा तो मतलब 1200 के आसपास होगा कलर, मतलब DPI। फिर पिंक में कितना होगा भूल गया, फिर जितना बड़ा होगा, फिर वाइट में 4800, मतलब ये पूरा फुल हो जाएगा DPI। तो ये गेम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, कोई भी गेम चलाओ DPI बढ़ाओ, डायरेक्ट सेंसिविटी को छोड़ो, कोई टच नहीं करना, आप डायरेक्ट माउस से DPI बढ़ाओ, आपका सेंसिविटी स्मूथ हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, और गेम में आप दवाई ला सकते हो। और इसमें आप ड्राइवर का लिंक दे दूंगा, तो उधर से भी आप चेकआउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए ड्राइवर को, और मतलब अपने माउस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपके साइड दो बटन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, उसको आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, क्या उसमें मतलब इफेक्ट क्या कहते हैं, क्या बटन यूज़ करना चाहते हो, कस्टम कीजिए, पूरा माउस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और RGB का पूरा कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मतलब 1200 में कोई और कलर चाहिए तो लाइए, मतलब कलर देख के, फिर आपको मतलब पिंक नहीं चाहिए तो आप पिंक के जगह कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब 16.8 मिलियन कलर है, कोई भी चॉइस कीजिए, मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको बिंदास। और इसका रिव्यू बताऊँ तो एकदम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, कोई बुराई नहीं है, रिन्यूड प्रोडक्ट है, सही में कुछ बुराई नहीं है, 0 scratches, एकदम न्यू माल है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको गेमिंग माउस लेना है तो सच में रिन्यूड खरीद सकते हैं, अगर आपका बजट मतलब कम है तो रिन्यूड खरीदे, बहुत ही सही मिलेगा आपको। न्यू और रिन्यूड में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी नहीं, 0 difference। आप ज़रूर जाइए रिन्यूड खरीदिए, उससे आपका कुछ पैसे भी सेव हो जाएगा, 100 रुपये या 100-150 सेव हो जाएगा, और माल एकदम बढ़िया मिलेगा। बस इसमें क्या है मेरे बॉक्स में अगर न्यू ख़रीदता तो उसमें एक CD ड्राइवर भी मिलता, मतलब वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला, कोई नहीं, ऐसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते, 4 या 5 MB का मिलता है सॉफ्टवेयर, तो CD नहीं मिला तो कोई नहीं ना, हम डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे और चला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को बस। और बताइए कैसा लगा आपको ये गेमिंग माउस, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।